मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन तीन विधायकों की अचानक हुई तबियत खराब, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन तीन विधायकों के विषय में, जिनकी हालत अचानक से तबियत खराब हो जाने से अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आप बता देंगे, बात करते हैं पहले विधायक की, जो पूर्व मंत्री तरुण भनोट की तबियत फिर से बिगड़ गई है, अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्हें। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस विधायक तरुण भनोट की तबीयत फिर बिगड़ गई है, उन्हें शहर के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 6 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे, लेकिन एक बार फिर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण भनोट एक बार फिर से कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और उन्हें इलाज के लिए पुनः जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में अभी सुधार बताया जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनोट को इससे पहले 6 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें 2 दिन पहले ही स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बुधवार शाम एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दमोह नाका स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम लगातार पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के संपर्क में है और उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर की एक टीम लगातार पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के संपर्क में है और उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की माने तो तरुण भनोट जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। गौरतलब है कि जबलपुर के में पहले पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, उनके बाद उत्तर मध्य से कांग्रेस विधायक विजय सक्सेना की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका इलाज करवाया गया और अब पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट भी पिछले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ एक और विधायक की कोरोना की चपेट में आए एक और कांग्रेस के विधायक चिरायु में भर्ती। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जहां बड़ी संख्या में मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वहीं प्रदेश के विधायक सांसद भी तेजी से इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और कोतमा विधायक सुनील सराफ की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल विधानसभा क्षेत्र से पहले सभी विधायकों को अपना कोरोना जांच कराना था, जिसके बाद अनूपपुर जिले के कोतमा विधायक सुनील सराफ ने भी अपनी जांच कराई थी। अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इससे पहले दमोह के कांग्रेस विधायक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद भी अब तक आधे से अधिक विधानसभा सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। स्थिति को देखते हुए इसी वजह से विधानसभा सत्र को 2 दिन तक का कर दिया गया है, जहां पहले दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्ण होगा, वहीं दूसरे दिन बजट पर चर्चा होगी और प्रश्नकाल के साथ साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की भी जो है फिलहाल टाल दिया गया है। इसी के साथ कांग्रेस विधायक हुए कोरोना पॉजिटिव, वीडियो जारी कर दिया संदेश। दोस्तों, विधानसभा के कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि राहुल सिंह लोधी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा का सत्र आगामी दिनों में शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी को कोरोना रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके संदर्भ में उन्होंने भी अपनी कोरोना रिपोर्ट जांच कराई थी, जिसके लिए सैंपल लिया गया था और वहीं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे हालात में अभी वे होम आइसोलेशन में हैं और वे इलाज के लिए भोपाल रवाना होंगे। उन्होंने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों को से कोरोना की जांच कराने की बात कही है। मालूम हो कि 11 तारीख को ही एक किसान आक्रोश रैली में वे शामिल हुए थे। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।